चलिए बच्चे, आज हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, और उसमें से हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4। तो एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में जो फार्मूला यूज होने वाले हैं, जो तीन इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज होने वाले हैं, उस तीन फार्मूले को पहले डेरिव करेंगे, कहाँ से आया है और याद रखने की तरीका बताएंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन में चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला, इसका तीन फार्मूला को मैं लिख रहा हूँ और वो कहाँ से आया उसको आपको एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा। तो पहला फार्मूला होता है इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये पहले फार्मूला है। और दूसरा है इसका, दूसरा क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 6 स्क्वायर थीटा। और लास्ट जो फार्मूला है इसमें, ये क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों फार्मूला को मैं डेरिव करके बताऊंगा कैसे आया है और याद रखने की तरीका भी लास्ट में बताऊंगा। तो पहले इसके लिए क्या करोगे, देखो ये त्रिकोणमिति चैप्टर है, तो त्रिकोणमिति के लिए हर टाइम क्या यूज होता है, एक ट्रायंगल यूज होता है। कौन सा ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल को समकोण त्रिभुज। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक, ए बी सी नाम दे देते हैं। हर केस में थीटा काम कर रहा है तो यहाँ पे थीटा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो बी एंगल जो है 90 डिग्री है, ये निशान से ही पता हो जाना चाहिए आपको। और इस 90 के सामने वाला भुजा जो साइड, एसी साइड, इसको कोण बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और ये थीटा जिस साइड्स के साथ एंगल बनाते हैं उसी को बेस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में आधार कहते हैं, ठीक। और ये बचा कौन मेरा, लंब, और इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। अब एक पैथागोरस है मैथमेटिशियन, वो एक फार्मूला बताए हैं इसके लिए, क्या बताए हैं, कॉन स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये है फार्मूला, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं, बोथ साइड्स इस जो समीकरण के दोनों तरफ कॉन स्क्वायर से डिवाइड दे देते हैं। तो कॉन स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन स्क्वायर अपॉन कॉन स्क्वायर, और इधर भी क्या हो जाएगा आपका, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पूरे क्या होंगे, कौन स्क्वायर। इतना तक समझ में आ गया, आप यहाँ पे क्या करोगे, कौन स्क्वायर अपॉन कौन स्क्वायर, काट जाएंगे तो कितना होगा, 1, तो काट दीजिए यहाँ पे, काटेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर भाई कौन स्क्वायर, लंब स्क्वायर अपॉन कौन स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अपन कौन स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो कौन स्क्वायर होंगे, फिर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आने वाला है। तो यहीं पे देखिए आप क्या है, लंब स्क्वायर अपन कौन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर अपन कौन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आधार अपन कौन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं लंबाई कोण क्या होता है, साइन थीटा, तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है, 1। तो ये पहला फॉर्मूला डेरिव हुआ। इसी में से और दो तीन रूप हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैं सोच साइन स्क्वायर को एक तरफ रखना चाहता हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहाँ कहीं पे हमको जरूरत पड़ेगा, जैसे साइन को कॉस में बदलना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, या फिर कहीं हमको दिख जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके जगह में हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसी में हम साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये समझ में आया। अब कॉस स्क्वायर को हम एक तरफ रखना चाहता हूँ, कॉस स्क्वायर बराबर तब क्या हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि प्लस साइन स्क्वायर इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो जहाँ भी हमको कॉस स्क्वायर को साइन के रूप में बदलना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब कॉस थीटा इक्वल्स टू तब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये पहला फार्मूला डेरिव होने के बाद सेकेंड फार्मूला में आते हैं, कहाँ से डेरिव कर रहा हूँ। तो देखिए मैं यहां से रब करता हूं क्योंकि लगने वाला है इस समीकरण,
इसके बाद देखिए पहला हम क्या किए थे, इस समीकरण के दोनों तरफ कौन स्क्वायर से डिवाइड कर रहे थे, इस केस में हम लंब स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो क्या होने वाला है, कौन स्क्वायर अपॉन लंब स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अपॉन लंब स्क्वायर, दोनों तरफ लंब स्क्वायर डिवाइड दे दिए। अब कौन स्क्वायर बाई लंब, कौन स्क्वायर बाई लंब स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, कौन अपॉन लंब का होल स्क्वायर, और ये क्या लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर अपॉन लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अपॉन लंब स्क्वायर, क्लियर। अब कोण बाई लंब क्या होता है, कोण बाई लंब लंबाई कोण के उल्टा है, मतलब कोसेक स्क्वायर होता है, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू लंब स्क्वायर बाई लंब स्क्वायर कट के वन प्लस आधार बाई लंब, आधार बाई लंब किसका होता है, लंब बाई आधार किसका होता है, लंब बाई आधार होता है आपका टेन का, तो उसका जस्ट उल्टा है, तो ये क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये जो फॉर्मूले सेकेंड वाला सॉरी थर्ड वाला गए हैं, तो इसमें से और क्या लिख सकते हैं आप, इसमें से आप कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आया मेरा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, वन को एक तरफ रखेंगे बाकी लोग को एक तरफ ले आएंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट इधर आएंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू वन, तो जहाँ पे भी हमको दिखेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे वन, या फिर वन है तो इस चीज़ भी हम लिख सकते हैं, ठीक। अब और क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, इसमें से कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इसमें रूट आ जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, वन इधर जाएंगे तो माइनस वन, फिर कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, इतने सारे लिख सकते हैं, ठीक। ये था थर्ड फॉर्मूला। अब सेकंड फॉर्मूला को डेरिव करते हैं, तो सेकंड फॉर्मूला को डेरिव करने के लिए इसको हम रफ करते हैं, इसके बाद आपका सेकंड फॉर्मूला को डेरिव कर देते हैं। तो देखिए अभी तक हम लोग क्या क्या डिवाइड किए हैं, क्या क्या डिवाइड किए हैं, एक बार कॉन स्क्वायर से एक बार लंब स्क्वायर से, अब बचा आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉन स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अपॉन आधार स्क्वायर, ठीक। हम क्या लिख सकते हैं, कॉन स्क्वायर एक कॉन भाई आधार का स्क्वायर इक्वल्स टू लॉम बाई आधार का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अपन आधार स्क्वायर। अब कोण बाई आधार क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू लॉम बाई आधार टेन स्क्वायर थीटा प्लस आधार आधार कट जाएंगे तो वन। तो देखिए सेकेंड फार्मूला वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखिए चाहे टेन स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर है। अब इसी चीज़ को क्या क्या लिख सकते हैं, वन को एक तरफ रखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, हम सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर इधर आएंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया वन। अब सेक थीटा बराबर निकालना चाहते हैं तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सेक थीटा बराबर इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। अब टेन स्क्वायर खाली निकालना चाहते हैं तो टेन स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा रखा पहले इस तरफ कौन है सेक्स स्क्वायर थीटा, तो सेक्स स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे, प्लस वन को इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वन, तो टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन के रूप में लिख सकते हैं। फिर टेन थीटा भी क्या लिख सकते हैं, इसको टेन थीटा इक्वल्स टू इसमें रूट डाल देंगे सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन, इतने सारे हम लिख सकते हैं।